वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल जी के नॉलेज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थर्मल प्लांट्स के लास्ट दो थर्मल प्लांट हैं वो हम उसको इंक्लूड किया है हमने। तो इससे पहले जो लास्ट लेक्चर था उसमें RGTPS और IGS TPP मतलब राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन एंड इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इंक्लूड किया था मैंने। तो आज का जो लास्ट के जो दो थर्मल पावर प्लांट हैं वो हैं MGST CPP। हमारा टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ। और MG मतलब महात्मा गांधी, और में लिखेंगे हम महात्मा गांधी सुपर थर्मल, ऐसे सुपर थर्मल क्रिटिकल पावर प्लांट। ठीक है, MG से तो सबको ही पता है कि महात्मा गांधी, इजीली आप जज कर पाएंगे यहां पे। S से सुपर, T से थर्मल, C से क्रिटिकल एंड PP से पावर प्लांट। ठीक है, ये है कहां पर? झज्जर में। झज्जर में होने की वजह से इसीलिए इसको झज्जर पावर स्टेशन भी कहते हैं, और झज्जर पावर स्टेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो कंपनी इन्वॉल्व थी वो थी CLP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, CLP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, CLP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। यूनिट्स इसमें थे वो थे 2, और कितने मेगावाट इसकी पावर जनरेशन थी? 660 मेगावाट पावर जनरेशन थी। मतलब टोटल कैपेसिटी कितनी बन गई? 1320 मेगावाट की। ठीक है, तो MGST CPP हमने करा है, मतलब महात्मा गांधी सुपर थर्मल क्रिटिकल पावर प्लांट, झज्जर में ये है, और इसे झज्जर में होने की वजह से झज्जर पावर स्टेशन भी कहते हैं। कंपनी इन्वॉल्व थी जिसकी पूरे कंस्ट्रक्शन में, वो थी CLP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। दो यूनिट्स इनके हैं, 660 मेगावाट के, मतलब 660 मेगावाट 660 मेगावाट के दो यूनिट्स हैं। कैपेसिटी इसी वजह से टोटल इसकी बनती है 1320 मेगावाट। ठीक है, स्टार्ट ये हुआ है 2012 में। ठीक है, तो हमारा MGST CPP यहाँ पे एंड होता है, झज्जर में ये है और 2012 में ये स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट कौन सा इसमें है? वो है फरीदाबाद थर्मल पावर स्टेशन। फरीदाबाद थर्मल पावर स्टेशन का जो जगह है वो तो आपको नाम से ही पता लग रही है, वो है फरीदाबाद। ईयर है इसका 1974, कब ये फर्स्ट टाइम कमीशन हुआ था। कोल बेस्ड है ये भी, यानी कि कोयला यूज होता है इसमें। इसमें कितने यूनिट्स थे और कितनी पावर जनरेशन, कितने मेगावाट था? 3 यूनिट से 60 मेगावाट के। इट मींस इसकी जो कैपेसिटी थी वो 180 मेगावाट्स थी। ठीक है, तो जब इतना पुराना ये पावर प्लांट था, पावर स्टेशन था 1974 का, तो ये पुअर क्वालिटी की वजह से इसमें जो ये 60 मेगावाट था वो 55 में रिड्यूस कर दिया गया था। मतलब ये 3 यूनिट्स 55 मेगावाट्स के कर दिए गए थे। ठीक है, जिस वजह से इसकी ओवरऑल जो कैपेसिटी थी वो भी कम हुई, मतलब 180 से ये 165 मेगावाट पर आ गया कैपेसिटी के नाम पे। ठीक है, तो अब तो हमने दो इस पे जो थर्मल पावर प्लांट हैं वो करे हैं, MGST CPP मतलब महात्मा गांधी, MG से महात्मा गांधी, ST से सुपर थर्मल, C से क्रिटिकल एंड PP से पावर प्लांट। झज्जर में ये है, और झज्जर में होने की वजह से झज्जर पावर स्टेशन भी इसको कहते हैं। कंपनी CLP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसमें इन्वॉल्व थी, और 2 × 660 यूनिट्स एंड मेगावाट थे, और इसी तरह से ये फरीदाबाद थर्मल पावर स्टेशन भी है। प्लेस फरीदाबाद ही है क्योंकि फरीदाबाद थर्मल पावर स्टेशन है ये, और ईयर है इसका 1974। पुराने होने की वजह से इसकी जो मेगावाट की कैपेसिटी थी वो 60 से 55 रिड्यूस कर दी गई, जिस वजह से ओवरऑल जो कैपेसिटी थी इसकी वो भी रिड्यूस हुई।
ठीक है. तो ये जो हमारे थर्मल पावर स्टेशन थे वो लास्ट थे. इसके बाद का जो सा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हरियाणा में है. न्यूक्लियर पावर प्लांट मतलब परमाणु ऊर्जा संयंत्र. परमाणु ऊर्जा संयंत्र है कहाँ पर? ये हरियाणा का पहला न्यूक्लियर प्लांट होगा, पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा. कहाँ पर होगा ये? इन गोरखपुर, फतेहाबाद. ठीक है, गोरखपुर फतेहाबाद. थोड़ा इसे ठीक करके लिखो, गोरखपुर फतेहाबाद. ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट गोरखपुर फतेहाबाद, यहां पर ये फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट आएगा हरियाणा का. फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट स्टार्ट ये कब हो चुका है? वैसे स्टार्ट होना कब स्टार्ट हो चुका है, मतलब इसका काम शुरू हो चुका है, वो है 2014 में इसका काम शुरू कर दिया गया था. बट प्रॉपरली अभी इसके यूनिट्स ये जनरेट नहीं कुछ करेगा, अभी जनरेट अभी 2021 में या 2022 में ऐसे ही ये जनरेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी जो भी जनरेट करनी है इसने. तो अभी सिर्फ इस पर काम चल रहा है, बट इस पर काम चलना 2014 में शुरू हो चुका था. कितने मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है ओवरऑल? 2800 की, 2800 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है, जिनमें से जो 1400 मेगावाट की जो कैपेसिटी है इसके जितने भी यूनिट्स होंगे, यानी कि इस पावर प्लांट के जितने भी यूनिट्स होंगे जो 1400 मेगावाट प्रोड्यूस करेंगे, 1400 मेगावाट जो प्रोड्यूस करेंगे वो कब तक तैयार हो जाएंगे? बाय, दिस इज बाय नॉट बिफोर, इट इज बाय 2021 तक 2800 मेगावाट में से 1400 मेगावाट जितने भी यूनिट्स जनरेट करेंगे वो 2021 तक तैयार हो जाएंगे. ठीक है, कंपनी कौन सी इसमें इन्वॉल्व है जिसने ये सारा काम संभाला है? वो है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, NPCIL. मतलब N से न्यूक्लियर, P से पार, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. तो इस कंपनी के द्वारा ये न्यूक्लियर प्लांट जो गोरखपुर फतेहाबाद में बनना है, बन रहा है. 2014 में वर्क इसका स्टार्ट हो चुका है, बट पावर जनरेशन 1400 मेगावाट की 2021 तक ही जनरेट होनी शुरू हो गई. ठीक है, टोटल इसकी जो कैपेसिटी है वो 2800 मेगावाट की है. टोटल कैपेसिटी इसकी 2800 मेगावाट की है, 1400 की 2021 तक स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, NPCIL मतलब न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इस कंपनी को पहले जो एरिया था वो 560 हेक्टेयर का मिला था ये पावर प्लांट लगाने के लिए. ठीक है, उसके बाद जो एरिया अब इनके पास है जो फार्मर्स से इनको और इन्होंने लिया है वो है 608 हेक्टेयर्स. ठीक है, तो पहले जो एरिया था वो 560 हेक्टेयर था, अब इनका जो एरिया है वो 608 हेक्टेयर है. न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, NPCIL. ठीक है, अब जब हम इस कंपनी, ये कंपनी इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो अभी तक आया भी नहीं है और सिर्फ इसमें काम चल रहा है 2014 से, इसमें जो कंपनी इन्वॉल्व है इसके बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो इस हमारी ये जरूरत हो जाती है कि इसकी हेडक्वार्टर ईयर और CMD भी हम तैयार करें. हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में. किस ईयर में एस्टेब्लिश हुई थी? 1987 में. और इसका CMD है SK शर्मा. ठीक है, तो आज हमने जो है इस वाले लेक्चर में दो थर्मल पावर प्लांट तैयार करे हैं, MGST CPP फरीदाबाद थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर स्टेशन हमने तैयार किया है, और न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है हमने इसमें प्रिपेयर किया. इसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है और नहीं है, और इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है जो एक है, जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश रहेगी. तो ये मेरा जो लेक्चर है इसमें मैंने तीन ही पावर प्लांट्स इन्वॉल्व किए हैं, सिर्फ यही इसमें मैंने कवर किए हैं. सो अगर मेरी वीडियो पसंद आई, लेक्चर पसंद आया है, तो इसे आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें. थैंक यू सो मच.